नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटों में देश में 83,833 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1,043 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 38,53,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 67,000 से ज्यादा हो चुकी है। भारत में पिछले एक दिन में 11,72,000 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 4,55,00,000 के पार हो गया है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि बेंगलुरु शहर की नंबा मेट्रो रेल सेवा 7 सितंबर से दोबारा शुरू होने जा रही है। फिलहाल मेट्रो सेवा सुबह 8 से 11 और शाम 4:30 से 7:30 के बीच ही उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 17,433 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन में आए अब तक के सबसे अधिक केस हैं। इसके अलावा इतने ही समय में 292 लोगों की जान भी गई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8,25,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 25,195 हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 6,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 98 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,39,000 से अधिक हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी 7,516 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 62,000 के पार हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 10,392 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 72 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,55,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 4,000 के पार हो चुकी है और फिलहाल एक्टिव केस 1,03,000 से ज्यादा हैं। दिल्ली में पिछले एक दिन में कोरोना के 2,509 नए मामले सामने आए, जो बीते दो महीनों में एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं, जिससे देश की राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 1,79,000 के पार हो गई, जबकि पिछले एक दिन में 19 मरीजों की मौत होने के साथ ही राजधानी में मृतकों का आंकड़ा 4,481 हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 16,000 के पार हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले एक दिन में 5,716 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,41,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 3,616 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 56,000 के पार हैं। गुजरात में एक दिन में 1,305 नए मामले सामने आए और 12 लोगों की मौत हुई, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 99,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 3,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 16,000 के करीब हैं। दुनिया भर में 2,59,00,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या भी 8,61,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल 1,84,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 61,13,000 के पार हो गया और कुल मृतकों की संख्या भी 1,85,000 से ज्यादा हो गई। ब्राजील में भी 39,97,000 पॉजिटिव केस हैं और मृतकों की संख्या भी 1,23,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।